हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते पढ़ना। मैं हूँ आप सबका भाई मनी मिराज। मैं यार लाइव आ चुका हूँ। जवानों और तेजी के साथ दौड़ो। जवानों जल्दी जल्दी पुशअप करो। और तेज जवानों, जवानों इस खांचे को पार करते हुए अपनी लंबाई का माप दो। चलो चलो बोलो, चलो बारी बारी से सब कोई चलो। जल्दी चलो, चलो जवानों धीरे धीरे आगे बढ़ो। राजवीर शेखावत। यस सर। एक 76 है सर। जवान आगे बढ़ो। दुष्यंत प्रताप सर। 175। बाप कैसे झड़े जवान? टेंशन में सर। क्या चीज का टेंशन जवान? नौकरी का सर। क्या बोला जवान? सॉरी सर, नौकरी का। आगे बढ़ो। कुंदन श्रीवास्तव। यस सर। आदर्श सिंह। यस सर। आगे बढ़ जवान। सर ये तो मापा नियंत्रण से भी लंबा है। आगे बढ़ो मेडिकल के लिए। चलो बलवंत सिंह। यस सर। सबका मेडिकल कीजिए। ठीक है सर। झुको। चलो चिकना चिकना चिकना। आगे बढ़ो। चलो पास है। झुको। चिकना चिकना चिकना। इतना टाइट पहनता है। झुको झुको। चलो चिकना चिकना चिकना। तो वर्दी चाहिए यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पसीने बहा रहे हैं। इस बार तो रिटर्न किसी भी कीमत पर निकालना पड़ेगा। हाँ मेडिकल और फिजिकल तो क्लियर ही है हम लोग का, इस बार सिलेक्शन पक्की है 100%। क्या भाई इस बार चाहिए वर्दी? अरे आज का पेपर पढ़े आप लोग? क्या हुआ पेपर में? पेपर में सरकार बोला है सिर्फ आर्मी का नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए। क्या बात कर रहे हो तुम? वो भी 23 से, वो भी 17-23। अरे यार दो यार। मेरी उम्र तो बची हुई है यार, मैं तो नौकरी करूंगा। और अगर सरकार ये स्कीम लाई है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही स्कीम लाई होगी। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, मैं तो चला नौकरी करने। अच्छा तुम्हारी उम्र बची हुई है नौकरी की तो सब ठीक है। बिल्कुल। इसका मतलब नोटबंदी भी ठीक था क्या? और जीएसटी का भी स्कीम ठीक था? बिल्कुल यार, पेट्रोल का रेट भी देख लो। हाँ बिल्कुल ठीक था। गैस की ऊंचाई देख लो कितनी दूर, 400 से 1400 हो गई। सरकार आम पब्लिक का तो खून चूसी रही है, साथ ही साथ आर्मी का भी चूस रही है, उसको भी नहीं छोड़ रही है। तुम तो नौकरी कर लोगे, बताओ हम लोग क्या करेंगे? बताओ बताओ। अरे इतना सेल्फिश मत बनो, हम लोग तो इस स्कीम के खिलाफ आंदोलन करें। क्यों भाई हो? करेंगे करेंगे। इस स्कीम में तुम साथ दोगे या नहीं दोगे? नहीं मैं तो बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, मैं तो चला अपने देश की सेवा करने। तुम लोग को जो करना है करो, मैं तो चला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं वापस लो अग्निपथ स्कीम, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की जय। आडी को वापस लो, वापस लो, आडी को वापस लो, वापस लो। रुकिए देख रहे हैं, लेकर से तो एकदम उग्र हो गया है। उग्र हो गया है तो चल के मोर्चा ना संभालिए। यादव जी उतरिए, मोर्चा संभालिए यादव जी। अरे उतरिएगा कि यहीं रसाई छिड़िएगा? डर लग रहा है हुजूर, डर लग रहा है तो मतलब कि नौकरी कहाँ लगी है? डरे लगने के लिए आके मोर्चा संभालिए। बाल बच्चा का हमर कौन देखेगा? तो हम ही बोले थे क्या कि छठी भर पैदा कर दीजिए, छीट दीजिए रोड पे। उदय अली महाराज मोर्चा संभालिए, नहीं तो लड़के से साफ बवाल मचा दिया है। अरे पुलिस वाले, पुलिस वाला है, पुलिस वाला है। हेलो
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आप सबका भाई मनी मिराज। मैं यार लाइव आ चुका हूँ आपके बिहार और मुजफ्फरपुर जिले से। अरे बाप रे, सरों के बेटा रे, बाप के रोड हो, बीच रोड पे रिपोर्टिंग करा था ना साला लफो लड़का बा लागल ठीक ना हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निपथ योजना के लेकर युवाओं में आक्रोश भरा पड़ा है, हर तरफ आगजनी ही आगजनी। बिहार के युवा बेकाबू हो चुके हैं, रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साइकिल का टायर जलाकर और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आगे का आंखों से का हाल देखिए हमारे रिपोर्टर आर गोस्वामी, सॉरी आर गोस्वामी। बंद कर साला, बंद कर। नमस्कार प्रणाम, मैं आर गोस्वामी पब्लिक भारत से लाइव आ चुका हूँ। और यहाँ देखिए जो है नव युवक लोग जो है अग्निपथ स्कीम का जो है विरोध करते हुए यहाँ पे देखा जा रहा है। और ये सरकारी संपत्ति को जला रहा है, ट्रेन को जला रहा है, बस को जला रहा है। और मेरे साथ कैमरामैन नंदन यादव लगातार कैमरा फोकस किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है नव युवकों के द्वारा। पूछता है भारत, नहीं बताने पर मुंह पे थूकता है भारत। रिपोर्टर जी रहा तो चलो चलो जल्दी लगता है कि एक भाई साहब हम लोग से बात करना चाहते हैं इस विषय में, जो छात्र नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दर्शकों बस क्षणिक देर, आइए आपको मिलवाते हैं छात्र नेता। भाई साहब बड़ा बढ़िया काम किए, पुरस्कार मिल गया होगा ना, देश का बहुत बड़ा नेता बनने वाले हैं। अब क्या काम किए हैं बताइए तो, ठीक काम किए हैं आप ही ने बोले है कि पूछता है बात नहीं बताने पर थूकता है बात, तो हम नहीं बताएंगे, थूक दिए। अच्छा इसका मतलब थूक दिए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है सब, हाँ 4 साल के लिए नौकरी करने जाए हम लोग, हाँ एक बात जान लीजिए, पतली गली से निकल जाइए, थूक तक अड़चन मारेंगे ना कि जिंदगी में बावसी रुख। सर माहौल बहुत गर्म है, चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, नहीं तो बवासीर हो जाएगा ना, तो जिंदगी भर हकते हकते मर जाइएगा। चलिए चलिए भागिए। चलो सुन लो भारी सरकार, कान खोल के आंख खोल के नाक खोल के, अगर नहीं करोगे कानून वापस तो जलती रहेंगी ट्रेनें, जलती रहेंगे बसें, होते रहेंगे आंदोलन। वोट दे ताकि हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजा जी मैम टांग उठा के बड़ा ताव में बैठल बानी। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद आशीर्वाद, तन टांगनी नीचे पाल जाओ। प्रणाम 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 प्रणाम, आओ बैठ जाओ रुगा। बड़ा धूप बा। हां धूप तो बा, कैसे कैसे आवल भेला। अरे काले ने बताले रहे ये हमार लड़की के बाप। अच्छा रुगो बानी समझ लीजिए। प्रणाम रुगा, घर द्वार पसंद बानू जी? जी पसंद बा, 25 लाख लागल बा समधी जी घर बनावे में, हमें अभी 15 लाख के और खर्चा बा घर बनावे में। तो लड़का देखे के विचार बा? ना पंडित जी, लड़के का देखे के बा जब आर्मी में बढ़ले बा। बात आगे बढ़ावल जाओ। लेन बात का बा तो बाटे कि 2 लाख रुपया, एगो फटफटिया बुलेट, सोना के सिकरी, अंगूठी, पलंग पठियार दे के पड़ी। पंडित जी आपका दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख में आप आर्मी वाला लड़का खोज रहे हैं? समधी साहब के 12 लाख रुपया हगना होगा तब आर्मी वाला लड़का मिलेगा, नहीं तो जाए अपना बेटी को कोनो ठेला रिक्शा वाला से ब्याह कराए। हे महाराज देखो तो सारे पलटू दास बन गई। हे महाराज कह रहे हो इतना उलंग बात बोले बनी, ये बताई रहुआ लड़कुआ के 4 साल वाला नौकरी में बाकी परमानेंट बटे? 4 साल के बाद परमानेंट बा? 4 साल के रहुआ परमानेंट कहता नहीं, 4 साल के बाद रहुआ लड़कुआ जोगाड़ी खटी का है। ए पंडित जी कैसा छेछरा कुटुंब के पास ले नहीं है और श्रृंगार में शादी नहीं करके, चल बहु चल। ए महाराज रुकू 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 ना, कहे किसी आगे नहीं जाओ जाओ, हमरो रहुआ घर में ब्याह नहीं करे के। ए महाराज बैठू ने, हमारा तो यो पता ना लगे रहुआ बेटवा के 4 साल के नौकरी बा। अरे 4 साल वाला के कोने के भगा रहल बा, भगा रहल बा। अरे 4 साल का है तो का है, सरकारी ना है। अरे सरकारी की तरकारी खरीदने महाराज है, मैं सब्र करू, ऐसा रिश्ता ना मिली 2 लाख रुपया का से फटफटिया चलाये रहुआ, सोची मोस्तान के बोलू तो मामला फीस करी। अरे सही में बा, लील जाओ लील जाओ, ना तो ना मिली। कराऊ बात कराऊ पंडित, सबर करी सबर करी, हम बात करते नहीं अभी। चलो महाराज नानू किसे आके तनी तनी बात ला ना।
रह दिया हमने। अरे चलो महाराज, अरे रो बेटी के भाग सवर दे, बैठो ने। आओ आओ समझी से, आओ बैठो, आओ बैठो। अरे मुंह का फुलेले बनी बतियाओ ना। ना ना हम नहीं बतुआ, ये मैं बतुआ जे बतुआ के बस काबी चबरा होखो होखो पंडित जी। मैं सोचे के का बात बा, का समझी मुंह फुलेले ना हम। ना ना रहुए बतुआ ऐसा छेछरा कुतुम से हम ना बतुआ। अरे बस मान जाई, उठी 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 जा उठी मां। अरे दिन टका ना उतार तो उठी। आओ आओ समझी जाओ तीन बेर बस, तब जाऊ रहुआ तैयारी करू बनिया से विवाह के। आ सुनु बरेटिया के बनिया स्वागत करेम आ खियाओ में कुकुरु कुकुरु रखेम। प्रणाम। खुश रहे। अरे बेटा तुम्हारा जगह चरणों में नहीं दिल में है। बेटा अब तो आप रिटायर हो के आ गए, अब आगे क्या करना है? क्या है पिताजी, सरकार ने रिटायरमेंट का पैसा दिया है, उससे बिजनेस करेंगे, बिजनेस को फैलाएंगे, हम लोग पैसे कमाएंगे। अब्बास बेटे आने में तो थक गए होगे, जाइए थोड़ा मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए आप। ठीक है पापा जी। अरे समधी साहब को फोन। हाँ समधी साहब बोलिए। समधी साहब क्या चीज है? समधी साहब हम अपने बेटी का शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करना है जी? नहीं। अरे पूरा गांव में काट बट गया है, इज्जत और प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा हम लोगों का? आपका इज्जत बचाने के लिए अपने बेटी के गले में फांसी लगा दे। आपका बेटा का नौकरी भी नहीं रहा, क्या करेगा वो? नौकरी नहीं रह गया, बिजनेस तो है ना। बिजनेस मुझे से लगता है कि मैं मालूम ही नहीं है, आपका सारा दुकान डकैती हो गया, पूरा जवार में हल्ला है। आप लोग इज्जती होइएगा ना तो दोबारा कॉल नहीं कीजिएगा। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, लड़की वाला शादी करने से इनकार करके हम कहाँ के रहेंगे, समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे चलेंगे हम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। सर कोई जॉब है क्या? नहीं सर, बहुत मजबूर है हम, जॉब के लिए जरूरत की ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारी कंपनी में ट्राई की लेकिन नहीं हुआ, आपके यहाँ आशा लेकर आए हैं, जरा देख लीजिए कोई भी जॉब हो तो दे दीजिए प्लीज। आपके क्वालिफिकेशन अनुसार हमारे पास जॉब नहीं है सर। सर कैसे बात कर रहे हैं, हम आर्मी से रिटायर हैं, वहाँ पे एक से भर के एक जो है हम लोग को क्वालिफिकेशन दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया है। ठीक है हम मान रहे हैं आप आर्मी से रिटायर हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है ठीक है, लेकिन आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार हमारे पास अभी जॉब नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए अब तो इस नौकरी के चक्कर में एकदम पूरा हालत ही खराब हो गया है, दर दर की ठोकर खाने से अच्छा है कि कहीं कोई पकौड़ी चिगड़ा कहीं दुकान खोल के बैठ लेते हैं। ऐसे ही मोदी जी बोल ही रहे हैं कि रोजगार जो है पकौड़ी चूड़ा से ही देंगे, तो चलते हैं पकौड़ी चूड़ा के दुकान पर, अब देखते हैं इसी भी का क्या काम। भैया कोई जॉब है क्या यहाँ पे? ये पकौड़ी का दुकान है, यहाँ पढ़ा लिखा लोग का कोई काम नहीं है, आप जाइए कोई सरकारी जॉब कीजिए। देखो फीडबैक भी आप मान लीजिए, पढ़ा लिखा लोग को जो है ना नौकरी दे रहा है कंपनी में, ना मार्ट वाला दे रहा है ना मॉल वाला दे रहा है, तो पकौड़ी चूड़ा के दुकान पे भी जॉब नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे नौकरी करना चाहिए आपको। ठीक है भैया तो ठीक है जाइए। कम वक्त ये जिंदगी भी गजब खेल दिखाती है, ये सरकार मुझे रोड पे ला के खड़ी कर दी है, अब सिर्फ तेरा ही सहारा है मेरे दोस्त। खिलवाड़ किया हमारे जिंदगी।
कौन गाड़ी के नीचे आ गया सर? कोई पियकर है। अबे पियकर गया, उठो। साला पियकर, गरीब लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? सही कहा साहब, मैं गरीब ही हूँ। इस देश का आर्मी का जवान गरीब ही है। जिस तरह सरकार ने ये काम कर दिया है ना, हमारे साथ, हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है इस सरकार ने। हाँ मैं गरीब हूँ, हूँ मैं गरीब। दोस्तों नहीं पहचाना मुझे क्या? अबे यार तू? हाँ मैं। मेरा दोस्त? हाँ, देख तेरा भाई कहाँ से कहाँ चला गया। और तू ये क्या हालत बना के रखा है बे, उठ चल। अरे क्या बताऊँ दोस्त, क्या हो गया? जब समय खराब होता है ना तो चारों तरफ से खराब होता है भाई। ये सरकार ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी बात मान लिए होते ना तो आज मैं भी तुम्हारी तरह ये सूट बूट पहन के घूमता रहता। बोला था ना कि छोड़ दे देश की सेवा करना, क्या दिया तुम्हें देश ने? देख मेरे पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, धन दौलत है, तेरे पास ये फटेल जिंदगी। सही बोला मेरे दोस्त, आज देखो इस सरकार ने मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं कहीं का नहीं रहा भाई, मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आज एक नौकरी भी हमको नहीं मिल रही है। बस नौकरी? अरे तेरे जैसे मेरे पास हजारों नौकर खड़ते हैं। चल तेरे को भी रख लूंगा, कोई बात नहीं, है ना तेरा दोस्त, किस दिन कमाएगा। अरे सच में यार, चल चलो मेरे दोस्त। बैठा इसको। हाँ भाई। चलो ड्राइवर। ठीक है, कल मिलते हैं। रुको, ये लो मेरा कार्ड, कर देना ऑफिस में। ठीक है? ठीक है, 10 बजे पहुंच जाना। ठीक भाई, ठीक। ओके, गुड नाइट। अरे तेरे जैसे मेरे पास हजारों नौकर खड़ते हैं। चल तेरे को भी रख लूंगा, कोई बात नहीं। दिल मेरा घर जहां, सब तो टूटा यहां, क्या कहूं किस कदर सब ने लूटा यहां। अपनी सरकार ने काम ऐसा किया, साथ अब जिंदगी से भी छूटा यहां, साथ अब जिंदगी से भी छूटा यहां।